अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच, बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी और क्रंची होते हैं सैंडविच। देखिए अंदर से भी कितने जूसी हो गए हैं। इसको बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सैंडविच। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो मैंने यहाँ पर दो ब्रेड लिए हैं और यहाँ पर मैंने लिया है, ये पहले ही मिक्स करके रखा है मैंने, टमाटर और कैप्सिकम, प्याज, चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ा सॉल्ट डाला है इसमें, चाट मसाला और नमक, यह है कॉर्न। तो चलिए बनाते हैं। पहले इसका बेस तैयार करेंगे हम, अब इसके ऊपर लगाएंगे पिज्जा सॉस, एक चम्मच लगा रही हूँ मैं। आप चाहे तो प्लेन सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम, यह है अमूल बटर। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स सारे, जितना भर भर के डालेंगे तो उतना अच्छा होगा है सैंडविच। अब इसके ऊपर रखेंगे हम चीज। अब थोड़ा इसमें सॉस लगाएंगे, पिज्जा सॉस ऊपर से थोड़ा लगाएंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा इसका। अब इसको पलट लेंगे। अच्छे से दबाकर इसे प्रेस कर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने पिज्जा मेकर रखा है, सैंडविच मेकर रखा है सारी। तो चलिए बनाते हैं। ये इसके ऊपर रख लेंगे। अब इसको बंद कर देंगे। अब इसका बटन ऑन कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर एक लाइट लगी है और एक ग्रीन लाइट लगते ही हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। दो मिनट के बाद ये लाइट लगती है। ये देखिए ग्रीन लाइट लग गया है, अब हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया। अब इसको निकाल लेंगे बाहर। पहले हम बटन को ऑफ कर लेंगे। Yeah.
देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गया हमारा सैंडविच। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना है ये। अब इसको कट कर लेंगे हम। बहुत ही बढ़िया सा बना है ये माशाल्लाह सैंडविच हमारा। आपको मैं दिखाती हूँ अंदर से कैसा बना है ये। देखिए जूसी और क्रंची अच्छा बना है ये। खाने में भी टेस्ट आएगा इसका बहुत ही अच्छे से। आपको सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी है मुझे जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़। देखिए फ्रेंड्स कितना यम्मी सा बन चुका है।